प्यारे बच्चों, पहले हमने लेसन पढ़ा था सबक नंबर 13 दिवाली, यानी फिर हमने इसके अल्फाज मायने और क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम इसी लेसन के नीचे दिए हुए लफ्जों से जुमले बनाए, यानी जो इसके निचोड़ निकाले हैं, लफ्ज चुनके निकाले हैं, उनके क्या बनाने हैं, जुमले बनाने हैं, और नीचे दिए हुए लफ्जों की जिद लिखे, यानी अल्फाज जिद भी लिखनी है। तो अल्फाज जिद में हम क्या लिखेंगे, अल्फाज में देंगे हम सुबह, तो सुबह का क्या आएगा, शाम। गर्मी, गर्मी का क्या आएगा, सर्दी। जमीन, जमीन का आएगा आसमान। खास, खास का क्या आएगा, आम, यानी सुबह का क्या आएगा, शाम, यानी सुबह तो शाम, यानी उल्ट लिखना है हमने, इसकी जिद लिखनी है। गर्मी, सर्दी, जमीन, आसमान, खास, आम, ये आपकी क्या हो गई, अल्फाज और जिद। अब हम इसी लेसन के क्या बनाएंगे, जुमले, जो इस लेसन से कुछ लफ्ज निचोड़े हैं उनके क्या हमने बनाने हैं, जुमले बनाने हैं। यानी त्यौहार, त्यौहार क्या है, दिवाली। दिवाली जो है हिंदुओं का एक मशहूर त्यौहार है, यानी जो बोलते हैं जो दिवाली है, मैंने आपको लेसन भी पढ़ाया था दिवाली का, कि उसमें क्या क्या होता है, कैसे क्या करते हैं, दिवाली कैसे मनाते हैं, घर घर में दीप जलाते हैं, एक दूसरे को तोहफे देते हैं। जब रामचंद्र जी वहाँ वनवास से सीता को लेके वापस आए थे, फिर उसी की खुशी में ये दिवाली मनाते हैं। तो अब हम इसी के क्या है, हमने इसके जुमले बनाए, तो त्यौहार का क्या आएगा, दिवाली हिंदुओं का एक मशहूर त्यौहार है। यानी क्या है, दीप, दीप क्या, यानी जो दीप वो जलाते हैं। दिवाली के दिन हिंदू लोग घर में दीप जलाते हैं, यानी बोलते हैं जब दिवाली होती है तो जब अंधेरा जैसा होता है, तो वो हर जगह, हर कोने, हर घर में, हर कोने में, हर खिड़कियों दरवाजों के ऊपर वो दीप जलाते हैं। यानी वो कौड़ियाँ जैसी इतनी छोटी छोटी होती हैं, उसमें वो डालते हैं, वो गिया डालते हैं, फिर वो उसको जलाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, दीप। यानी दिवाली के दिन हिंदू लोग घरों में दीप जलाते हैं। फिर है रोशनी, रोशनी सुबह होते ही चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, यानी बोलते हैं जब हम सुबह उठते हैं, शाम को जब हम सोते हैं तो अंधेरा होता है, जब हम सुबह उठते हैं तो चारों तरफ क्या होती है, रोशनी ही रोशनी होती है, क्या होती है, रोशनी ही रोशनी होती है। फिर है रौनक, रौनक क्या हुआ, दिवाली के दिन बाजारों में खूब रौनक होती है, यानी बोलते हैं जब दिवाली होती है उस दिन बाजारों में क्या होती है, बहुत रौनक होती है, बहुत चहल पहल होती है। तो यही इस लेसन की अल्फाज़ और नीचे दिए लफ्जों से जुमले बनाए, जुमले बनाए। तो अब हम इसी बुक में, इसी लेसन में अगला लेसन स्टार्ट करेंगे, सबक नंबर 14, खरगोश और कछुआ, यानी खरगोश और जो कछुआ उसकी कहानी पढ़ेंगे, जरा उसका निचोड़ पढ़ेंगे, खरगोश और कछुए की। एक बार एक खरगोश जंगल में एक झील के पास टहल रहा था। बोलते हैं एक बार एक जो खरगोश था वो जंगल में एक झील के किनारे टहल रहा था, अचानक उसे वहाँ एक कछुआ दिखाई दिया। बोलते हैं यानी अचानक उसको नजर पड़ी कि वहाँ कछुआ भी है। कछुए की सुस्त चाल देखकर खरगोश ने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा, यानी जो कछुआ था वो बेचारा बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलता था, और जो खरगोश था वो बहुत तेज था, वो उछलता था। उसने जब कछुए को देखा आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, और उसने उस पर मजाक किया, हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा कि ए कछुए आप इतने सुस्त चाल में चलते हो, जल्दी करो, सुस्त कछुए कुछ ही गज की दूरी तय करने के लिए तुम इतना ज़्यादा वक्त लगाते हो। यानी क्या बोलने लगा खरगोश किससे, कछुए से, कि इतना सुस्त चलते हो, जरा जल्दी चलाओ, इतनी सुस्त चाल में आप चल रहे हो, इतना टाइम लगाते हो, क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी बदमज़ा नहीं लगती है। क्या बोलता है खरगोश किससे, कछुए से, क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी कुछ अच्छी नहीं लग रही है, बदमज़ा जैसी लग रही है। इतनी देर में तो मैं झील के उस पार पहुंच गया होता, यानी बोलता है जब तक आप यहाँ से वहाँ चले तब तक तो मैं झील के उस पार भी पहुंच गया होता। कछुए को
खरगोश की बात से ठेस पहुंची, यानी बोलते हैं जो कछुआ था जब खरगोश ने उसे ये मजाक किया और ये बोला कि तुम्हें अपनी जिद्दी अच्छी नहीं लग रही, तो उसको बहुत दुख हुआ, उसको सदमा जैसा लगा, ठेस पहुंची और उसने खरगोश से दौड़ लगाने का फैसला कर लिया। यानी जो कछुआ था उसको बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं खरगोश से दौड़ लगाने का उसने फैसला कर लिया। दौड़ जंगल से होकर एक तयशुदा मकाम पर जाकर ख़त्म होनी थी, यानी जब उन्होंने दौड़ लगानी थी तो उन्होंने एक जगह तय की थी तो कहाँ तक कौन जल्दी पहुँचेगा। खरगोश हंसते हुए मान गए, यानी जो खरगोश था वो हंसते हुए मान गए, उसने बोला ये क्या है, ये सुस्त कछुआ है तो ये क्या मुझसे आगे निकल जाएगा। और कुछ ही देर में आग से ओझल हो गए, यानी जो खरगोश था वो बहुत उछलते हुए आगे निकल गया, उसको अब वो कहीं कछुआ दिखाई नहीं देता था और वो बहुत आगे पहुंच गया। और इसके आगे बच्चों हम अगले स्टोरी वीडियो में पढ़ेंगे। आज बच्चों बस इतना ही, सलाम।